नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में गंगा दशहरा का खास महत्व है। ये पर्व ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 1 जून को पड़ रही है। स्कंद पुराण में इस दिन स्नान और दान का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नाम के स्मरण मात्र से ही सभी पापों का अंत हो जाता है। गंगा दशहरे का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:37 तक है। इस दौरान स्नान, ध्यान और दान कर सकते हैं। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना खास पुण्यकारी है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार श्रद्धालु गंगा स्नान नहीं कर सकेंगे। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें, फिर ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगे का स्मरण करके अर्घ्य दें। इसके बाद गंगा मैया की पूजा आराधना करें। इस दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से गंगा मैया की कृपा से श्रद्धालु के जीवन में कभी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। बता दें कि धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर अपनी गलतियों का एहसास और प्रभु से माफी मांगनी हो तो गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान कर दान पुण्य करें। वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते गंगा स्नान तो संभव नहीं है। ऐसे में आप गंगा जल का छिड़काव भी अपने ऊपर कर सकते हैं और पूरे घर पर गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध कर सकते हैं। इससे भी गंगा में डुबकी लगाने जैसा ही फल आपको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।